शांति। आज की तारीख है 6/8/22 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे शिव बाबा, जो कि सर्व गुणों के सागर हैं और हम आत्माएं उस पिता परमात्मा सागर की नदियां हैं। तो नदी का और सागर का मिलन कब होता है, कैसे होता है, आइए सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा क्या कहते हैं। तो बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मपुत्रा नदी का ये संगम हीरे समान है। यहाँ तुम बच्चे आते हो कौड़ी से हीरे जैसा बनने। प्रश्न है, सतयुगी राजधानी की स्थापना कब और कैसे होगी? उत्तर है, जब सारी पतित सृष्टि की सफाई हो, अर्थात पुरानी सृष्टि का विनाश हो, तब सतयुग की स्थापना होगी। उसके पहले तुम्हें तैयार होना है, पावन बनना है। नई राजधानी का संवत तब शुरू होगा जब एक भी पतित नहीं रहेगा। यहाँ से संवत शुरू नहीं होगा, भले राधे कृष्ण का जन्म हो जाएगा, लेकिन उस समय से सतयुग नहीं कहेंगे जब वह लक्ष्मी नारायण के रूप में राज गद्दी पर बैठेंगे। तब संवत प्रारंभ होगा और तब तक आत्माएं आती जाती रहेंगी। ये सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। गीत बजा है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। धारणा के लिए मुख्य सार के दो मधुर महावाक्य। नंबर 1, बाबा कहते हैं कि जब तक जीना है पुरुषार्थ करते रहना है, बाप की शिक्षाओं को अमल में लाना है। बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनना है। नंबर 2, रूहानी पंडा बन सबको सच्ची यात्रा करानी है, हीरे जैसा बनना और बनाना है। वरदान सतगुरु बाबा का श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भव। बाबा कहते हैं कि जो बच्चे अपनी कमजोर वृत्तियों को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करने का व्रत लेते हैं, उन्हें यह सृष्टि भी श्रेष्ठ नजर आती है। फिर आप सभी ने ये व्रत लिया है और सभी को यह सृष्टि श्रेष्ठ नजर आती है, चेक करें। आगे बाबा कहते हैं कि वृत्ति से दृष्टि और कृति का भी कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती, फिर वाणी और कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना माना वाणी और कर्म स्वतः ही श्रेष्ठ होना। वृत्ति से ही वाइब्रेशन और वायुमंडल बनता है। श्रेष्ठ वृत्ति का व्रत धारण करने वाले विश्व परिवर्तक स्वतः ही बन जाते हैं। स्लोगन है,
विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान लेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।